हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने अमेज़ॉन पे ऑन डिलीवरी कैसे कर सकते हो। ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं कि अपने अमेज़ॉन पे ऑन डिलीवरी नहीं आता है, वो सोशल डिस्टेंसिंग बोलता है। तो उसके लिए एक सीक्रेट ट्रिक मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले आपको अमेज़ॉन खोल लीजिए। ओके, अमेज़ॉन खोलने के बाद आपका जो भी प्रोडक्ट होगा, आपको जो भी प्रोडक्ट लेना है आपको वो टाइप करना है, आपके कार्ट में होगा वो आपको डाल देना है। ठीक है, मैं सिर्फ ऐसे ही एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ आपको। मैं बाद में ऑर्डर को कैंसिल करने वाला हूँ, तो आप बिल्कुल भी ब्रांड प्रमोशन देख के मत लीजिएगा। ठीक है, तो आपको कोई भी चाहिए तो आप अपने कार्ट से ले सकते हो। तो मेरे अभी कार्ट में नहीं है, तो मैं यहाँ से अभी सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के तौर पे एक सेलेक्ट करके बता रहा हूँ। बाद में मैं ये ऑर्डर को कैंसिल करने वाला हूँ। ठीक है, विदाउट ब्रांड प्रमोशन आप लीजिए। ठीक है, तो T55 प्लस सीरीज 6 स्मार्ट वॉच। ठीक है, ये इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, आपको क्या करना है, अब इस पे बाय नाउ पे क्लिक करना है। ठीक है, ये देखिए मेरी वॉच 1699 रुपीज़ की है। तो अब आपको क्या करना है, बाय नाउ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, बाय नाउ पे क्लिक कर देने के बाद आपका पेमेंट का इंटरफेस आएगा। अब यही एक मेन स्टेप है, तो इस वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत कर दीजिएगा और स्पेशली इस स्टेप को स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों, फ्री ऑन डिलीवरी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, ऐड डेबिट कार्ड या फिर आपको कुछ भी करना है वो आप कर लीजिए। ये देखिए मेरा ऐड था, तो मैंने ये CVV डाल दिया। मैं इसको ब्लर रखा है क्योंकि कोई देख ना ले। ठीक है, पे ऑन डिलीवरी अवेलेबल नहीं है, आप देख सकते हो। तो आप कुछ भी डाल दीजिए CVV, आपको क्या करना है, नेट बैंकिंग, UPI, कुछ भी करके आप कर सकते हो। ठीक है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ATM कार्ड, ऐसा आप कुछ भी कर सकते हो। तो ऐसा आएगा तो प्लेस योर ऑर्डर एंड पे पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, प्लेस योर ऑर्डर एंड पे पे क्लिक करने के बाद प्रोसेस योर रिक्वेस्ट आएगा, तो आपको फिर अमेज़ॉन को बंद कर देना है। ठीक है, बिल्कुल बंद। अब 20 मिनट के बाद आपको क्या करना है, 20 या 30 मिनट के बाद अमेज़ॉन को वापस खोलना है। उसके बाद आपको वहाँ पे 3 लाइंस दिख रहे होंगे, वहाँ पे आपको क्लिक करना है, फिर ऑर्डर्स पे जाना है। ओके,